अभी आपने जो वीडियो देखा टाइमलेस वाली वो इसी से रिकॉर्ड हुई है रियलमी 8 प्रो से, और इसमें कुछ यूनिक फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि स्टेरी मोड है, फिर इन सेंसर जूम है, टिल्ट शिफ्ट करके एक ऑप्शन दिया गया है। तो इन्हीं सभी को हम टेस्ट करेंगे और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये एक्चुअल में फ़ोन में किस तरह से काम करता है, और साथ में कुछ और भी फीचर्स हैं जो कि लगभग बहुत सारे फ़ोन्स में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि स्लो मोशन है, फिर पोर्ट्रेट मोड में कुछ अलग से ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, वीडियो बुके इफेक्ट है, साथ में डुअल वीडियो मोड करके भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो इन्हीं सभी को हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि Realme 8 Pro में ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहला फीचर है स्टेरी मोड, और इसके नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हो स्टार से स्टेरी हुआ है। तो नाइट टाइम में आप स्टार्स की फ़ोटो क्लिक कर सकते हो और इसमें आप टाइम लैप्स वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है, एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए 4 मिनट 12 सेकंड का टाइम लेता है और 1 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये 8 मिनट का टाइम लेता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलता है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फोटो में स्टार्स काफ़ी अच्छे से विजिबल हैं, और यहाँ पे जो आपको टाइमलेस वाली वीडियो मिलती है ये 30 FPS की वीडियो मिलती है, तो क्वालिटी भी यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी बेटर आपको मिल जाता है। और फोटो के साथ अगर आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइटरूम में एडिट करा है, ये फ्री वर्जन है लाइटरूम का, तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत एडिट करा और यहाँ पे आप कलर्स में भी डिफरेंस देख सकते हो और क्वालिटी भी यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। तो रिजल्ट तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि फ़ोन को आपको काफ़ी टाइम तक स्टेबल रखना पड़ेगा। आपके पास कोई स्टैंड है या फिर ट्राइपॉड वगैरह है तो उसके साथ आप इसको स्टेबल रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास इस तरह की चीज़ें होती नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगा सकते हो कुछ इस तरह का। मेन चीज़ है फ़ोन को स्टेबल रखना, आपको जैसा भी ठीक लगे आप रख सकते हो। और एक चीज़ का यहाँ पे आप ध्यान रखना, जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो लेंस पे डायरेक्ट लाइट नहीं आना चाहिए और स्काई में भी मून लाइट नहीं होना चाहिए। इस तरह के कंडीशन में अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्स बिल्कुल भी उतने अच्छे से विजिबल नहीं है। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आप जितने डार्क में फ़ोटो क्लिक कर सकते हो और जितना स्काई जितना ज़्यादा क्लीन होगा आपको रिजल्ट यहाँ पे उतना बेटर देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इसके पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये काम कैसे करता है कि जब आप फोटो क्लिक करते हो ये टोटल 4 मिनट और 16 सेकंड का टाइम लेता है एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो ये हर 16 सेकंड में एक फ़ोटो को क्लिक करता है और टोटल 4 मिनट में ये 15 फोटो क्लिक करता है, और लास्ट का जो 12 सेकंड है इसमें ये सारे फोटो को कंबाइन करता है, प्रोसेस करता है और आपको एक बेटर रिजल्ट यहाँ पर निकाल के देता है। और वीडियो में भी ये ठीक उसी तरह से काम करता है, मतलब हर 16 सेकंड में ये एक फ़ोटो को क्लिक करता है और 8 मिनट में टोटल 30 फोटो ये क्लिक करता है, और इसका हर एक फ़ोटो एक फ्रेम की तरह काम करता है, मतलब 1 सेकंड के लिए आपको 30 FPS वाली वीडियो यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आपको 60 मिनट से लेकर 240 मिनट तक का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 60 मिनट मिनिमम यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 8 मिनट में 1 सेकंड की वीडियो के हिसाब से आप जितने टाइम तक भी रिकॉर्ड करोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टाइमलेस की वीडियो मिल जाएगी। इसका दूसरा फीचर है इन सेंसर जूम, और ये ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे कुछ फ़ोन्स में ऑप्टिकल जूम रहता है, वहाँ पे आप जूम करके फ़ोटो क्लिक करते हो तो काफ़ी डिटेल्ड फ़ोटो आपको मिल जाती है। तो सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3x तक का आप जूम कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको काफ़ी डिटेल्ड इमेज मिलती है। लेकिन ऑप्टिकल जूम में और इन सेंसर जूम में डिफरेंस क्या है कि ऑप्टिकल जूम में आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, वहाँ पे टेलीफोटो लेंस का यूज होता है जूम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो सेंसर दिया गया है सैमसंग का HM2 सेंसर, ये चीज़ इसमें इनबिल्ट आती है, अलग से यहाँ पे कोई टेलीफोटो लेंस का यूज नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का यूज किया गया है। रियलमी ने अपने सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम में कुछ चीज़ें ऐड करी हैं। यहाँ पे जब आप फोटो क्लिक करते हो जूम के साथ तो ये टोटल 8 12 मेगापिक्सल वाले फोटो को क्लिक करता है और सभी को कंबाइन करके एक डिटेल्ड फोटो आपको देता है, और इसकी प्रोसेसिंग भी काफ़ी फास्ट होती है तो आपको वेट करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे रिजल्ट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल मोड के कंपैरिजन में यहाँ पे जो डिटेल मिलता है वो काफ़ी बेटर मिलता है, और 108 मेगापिक्सल के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो डिटेल में आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप हायर मेगापिक्सल में फ़ोटो क्लिक करते हो तो क्योंकि यहाँ पे पिक्सल्स ज़्यादा होते हैं तो लाइट उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाता, तो जूम के साथ जब आप फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी ब्राइट इमेज आपको मिल जाएगी क्योंकि ये 12 मेगापिक्सल वाले फ़ोटो को क्लिक करता है, और कुछ कंडीशंस में ये एक्सपोजर को भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस करता है। तो ये फीचर काफ़ी काम का है, आपके काफ़ी काम में आएगा। और एक चीज़ अगर आपने यहाँ पे नोटिस करा होगा तो यहाँ पे जो सेंसर यूज हुआ है सैमसंग का HM2 सेंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फीचर इसमें इनबिल्ट आता है, लेकिन ये सेम सेंसर अभी तक 2 और फोन में भी यूज हो चुका है, एक तो Mi 10i और Redmi Note 10 Pro Max दोनों में सेम सेंसर यूज हुआ है, लेकिन वहाँ पर ये फीचर नहीं मिलता
क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कुछ प्रोसेसर में आपने देखा होगा कि प्रोसेसर कंपनी बहुत सारे फीचर्स को देती है अपने प्रोसेसर में, लेकिन जब स्मार्टफोन कंपनी उस प्रोसेसर का यूज करता है तो सारे फीचर्स नहीं देती, और जो फीचर्स नहीं देती उसका रॉयल्टी भी उसे देना नहीं पड़ता प्रोसेसर कंपनी को। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे Xiaomi ने उस फीचर का यूज नहीं किया है फ़ोन के प्राइस को बैलेंस करने के लिए। इसका तीसरा फीचर है 3 नए पोर्ट्रेट ऑप्शन, और सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है वो है डायनामिक बोके। वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे एरिया में फ़ोटो क्लिक कर रहे हो जहाँ पे बैकग्राउंड में गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, ट्रैफिक एरिया है, गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ये फ़ोटो जो मैंने यहाँ पे क्लिक करा है, अगर बैकग्राउंड और थोड़ा सा वाइड होता, यहाँ पे गाड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा होती तो रिजल्ट यहाँ पे और भी बेटर हो सकता था। सेकेंड ऑप्शन है नियॉन पोर्ट्रेट, और ये आपके काम में वहाँ पे आएगा जहाँ पे आपके बैकग्राउंड में लाइट्स वगैरह ज़्यादा हैं, थोड़े से अलग अलग टाइप के लाइट्स हैं या फिर बल्ब्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको देता है। और ये फोटो मैंने काफ़ी लो लाइट में क्लिक करा था, फ्रंट में सिर्फ एक ही स्ट्रीट लाइट था और बैक साइड में थोड़ी सी दूरी पे एक स्ट्रीट लाइट था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्ट काफ़ी बेटर आपको देखने के लिए मिलता है पोर्ट्रेट मोड के साथ। और इतनी लो लाइट में भी आप देख सकते हो इसने एजेस को काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, इसमें जो इफेक्ट आ रहा है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तीसरा ऑप्शन है AI कलर, और इसका काम है आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, उसको कलर में रखना और जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में रखना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विंटेज टाइप का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपका बैकग्राउंड भी वैसा है तो देखने में काफ़ी बेटर लगेगा, बैकग्राउंड में अगर कोई पुराना बिल्डिंग्स है, कोई पुरानी गाड़ियाँ वगैरह हैं, तो यहाँ पे आपको जो इफेक्ट मिलेगा वो देखने में भी काफ़ी बेटर लगेगा। इसका फोर्थ फीचर है टिल्ट शिफ्ट, लेकिन यहाँ पे जो आपको टिल्ट शिफ्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक इफेक्ट मिलता है जहाँ पे कि आप ब्लर का यूज करके एक मिनिएचर टाइप का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और टाइमलैप्स वीडियो भी इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल टिल्ट शिफ्ट होता है या फिर जो मिनिएचर टाइप के फोटो क्लिक करने का जो तरीका होता है वो इससे काफ़ी अलग होता है, और ये चीज़ फ़ोन में देना आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग से एक लेंस आता है जिससे कि आप ऊपर नीचे टिल्ट कर सकते हो या फिर लेफ्ट राइट या फिर ऊपर नीचे आप इसे शिफ्ट भी कर सकते हो, और इससे एक रियलिस्टिक मिनिएचर टाइप के फोटो आप क्लिक कर सकते हो, वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये चीज़ फ़ोन पे देना पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर इफेक्ट है तो ये आप किसी भी फ़ोन में यूज कर सकते हो, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके आप इस तरह के फोटो या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका नेक्स्ट फीचर है स्लोमो, और यहाँ पे आपको 120 fps से लेकर 960 fps तक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और स्लोमो इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें डिटेल्स आपको थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मैंने गैलेक्सी M51 के साथ कंपेयर करके देखा तो यहाँ पे आपको 240 fps और 480 fps सिर्फ दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, 960 fps का ऑप्शन नहीं है गैलेक्सी M51 में। तो इसमें मैंने कंपेयर करके देखा तो डिटेल्स रियलमी 8 प्रो में मुझे थोड़े से कम लगे। इसका नेक्स्ट फीचर है वीडियो बुके इफेक्ट, तो इसमें आप मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों में से ब्लर इफेक्ट के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो करीब 6-7 फीट तक ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है, यहाँ पे ब्लरीनेस भी काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन आपके साथ कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो उसको ये उतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं करता। बाकी EIS का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन फ्रंट कैमरा से मैंने नोटिस करा कि बिना EIS के अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पे क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है ब्लर इफेक्ट के साथ, लेकिन EIS के साथ यहाँ पे जर्किनेस कुछ ज़्यादा ही आपको देखने के लिए मिलता है। इसका लास्ट ऑप्शन है डुअल वीडियो मोड, और इसमें आप बैक और फ्रंट दोनों में एक साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है स्प्लिट का ऑप्शन, यहाँ पे आपके आधे स्क्रीन में आपका बैक का वीडियो रिकॉर्ड होगा, आधे स्क्रीन में आपका फ्रंट का होगा। दूसरा राउंड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका जो छोटे स्क्रीन में आएगा, चाहे वो फ्रंट का हो चाहे वो बैक का हो, वो आपके राउंड शेप में आएगा, और इसको आप मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, फ्रंट और बैक चेंज कर सकते हो। और सेम उसी तरह से स्क्वायर शेप आता है, यहाँ पे भी जो छोटे स्क्रीन में आएगा वो स्क्वायर शेप में आएगा। लेकिन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम आप किसी में स्विच नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे जो 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आप स्विच नहीं कर सकते, या फिर जो फ्रंट कैमरा है या फिर बैक कैमरा है इसमें आप स्विच नहीं कर सकते, और इसमें आपको EIS का भी सपोर्ट नहीं मिलता, तो वीडियो आपको उतना स्टेबल नहीं मिलेगा, लेकिन 1080p में वीडियो रिकॉर्ड होता है तो क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो ये थे कुछ कैमरा फीचर्स Realme 8 Pro के, और इनमें से कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी यूनिक हैं, काफ़ी डिफरेंट हैं, और इनमें से सबसे मुझे बेस्ट लगा इसका स्टेरी टाइमलैप्स। हालांकि इसको रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसमें जो रिजल्ट निकल गया था वो काफ़ी बढ़िया निकल गया था। और इसका इंसेंसर जूम भी काफ़ी यूजफुल है, मुझे काफ़ी सही लगा, डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है और आपके काफ़ी काम में भी आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे और कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।